नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। 1.76 लाख करोड़ के 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में सभी आरोपी बरी हो चुके हैं। वेब वार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णी जी। जयदीप जी, 2G घोटाले के समय खूब हल्ला मचा था, लेकिन परिणाम वही ढक के तीन पाए। निश्चित ही ये बड़ा विस्मयकारी है और पूरे देश की जनता अचरज में है कि जिन लोगों को हमने एक विलन के तौर पर, देश के शत्रुओं के तौर पर, घोटाला करने वालों के तौर पर, आरोपियों के तौर पर देखा, और बहुत सारे जो आरोपियों उन्होंने जेल में सजा काटी है और उनको ऐसे जब CBI की अदालत बरी कर देती है, तो जो 2G घोटाला इतना चर्चित रहा, जिसकी वजह से UPA की पूरी सरकार गिर गई, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला और कॉमनवेल्थ घोटाला, ये चार घोटालों के नाम ले लेकर तो वर्तमान की जो भाजपा की सरकार है वो बनी, और प्रधानमंत्री जो मोदी हैं उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान जम के इन चारों घोटालों का उपयोग किया। उसमें से आप देखिए, आदर्श सोसाइटी घोटाले में भी लगभग वही स्थिति बनी है। 2G घोटाला सबसे ज्यादा चर्चित घोटाला इसलिए भी था कि आपने कहा 1 लाख, सबसे बड़ी बात थी कि जब ये घोटाला अखबारों में छपा था तो लोगों ने लिखा था कि इतना बड़ा घोटाला है और इसमें इतने पैसे शामिल हैं कि इसकी रकम के आगे लिखे हुए शून्य भी हम ढंग से नहीं गिन पा रहे हैं। वो 1.76 लाख करोड़ का जो घोटाला है, उस घोटाले में देश के राजस्व का जो नुकसान लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा करोड़ का माना गया, उस घोटाले में हम अगर देखते हैं कि आरोपी लगातार बरी हो रहे हैं, आरोपियों को सजा नहीं मिली, तो सवाल ये है कि क्या दोष सिद्ध नहीं हो पाया, सबूत नहीं दिए गए इसलिए बरी हुए कि वाकई ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ। मुझे लगता है कि हमें इस सारे घटनाक्रम को बहुत गहराई से देखना चाहिए, इसकी व्यवस्थित जांच होनी चाहिए, और वाकई ये निर्दोष थे तो देश को बताया जाना चाहिए कि फिर इतने 8 साल तक ये मामला इस तरह से लंबित क्यों रहा। उस जमाने के मंत्री ए राजा, सांसद कनीमोजी जेल में रहे, और जबकि अब ऐसा लग रहा है कि घोटाला तो हुआ ही नहीं। देखिए, आप जिस तरीके से उनको निर्दोष करार दिया गया, बरी किया गया, और जो टिप्पणी आई है खासतौर पर जज की कि केवल अफवाहों और अटकलों के आधार पर मुकदमा कायम कर लिया गया, तो मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का है कि फिर जो उस वक्त के विनोद राय की रिपोर्ट थी CAG की, जिसको इतना बड़ा आधार माना गया, उसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने इतने सारे लाइसेंस रद्द कर दिए, तो किस आधार पर रद्द हो गए? क्या वो भी अटकलों के आधार पर रद्द हो गए? क्या वो भी अफवाहें थी? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय तो अफवाहों के आधार पर लाइसेंस रद्द नहीं कर सकता था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने लाइसेंस करके जो गलती की, तो सर्वोच्च न्यायालय को भी कटघरे में खड़ा कर किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय से जब इस तरह की टिप्पणी आई थी, तभी देश की जनता ये मानने को भी कि हाँ, पुख्ता तौर पर घोटाला हुआ होगा, वरना राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। लेकिन आज भी इस देश में तमाम संदेहों के बावजूद भी अदालत का मान बरकरार है, और जब देश की सबसे बड़ी अदालत लाइसेंस इस तरह से 2G मामले में निरस्त कर रही है, और उसके आगे ED ने भी 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग की बात उसमें शामिल की, सर्वोच्च न्यायालय की तो कई टिप्पणियां इतनी तल्ख थी जिसमें कहा गया कि पद का दुरुपयोग साफ साफ नजर आ रहा है, और उन टिप्पणियों के बावजूद अगर हमें सारे लोग इस तरह से, तो इसका मतलब या तो CBI इन आरोपों को साबित करने में नाकाम साबित हुई है, क्योंकि ये माना जाना कि अगर ये घोटाला हुआ ही नहीं तो देश की सर्वोच्च अदालत फिर उस वक्त क्या कर रही थी, और अगर ये वाकई में सच है कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं है और ये लोग इतने साल, तो इनके लिए देश किस तरीके से और कैसे माफी मांगेगा? इस समूची व्यवस्था को आप कैसे कटघरे में खड़ा करेंगे? उनके खोए हुए सम्मान को आप कैसे लाएंगे? और ऐसे एक नहीं, कई मामले हैं, और इस देश में किसी का भी चरित्र हनन करना, उसको कटघरे में खड़ा करना, उसको आरोपी मान लेना बहुत आसान हो गया है। तो मुझे तो ये बहुत, जितना है उससे कई गुना बड़ा मामला लगता है। इस मामले से सबक लेकर हमें तय कर लेना चाहिए कि इस देश में न्याय का आधार क्या हो, किसी को आरोपी मानने का आधार क्या हो, किसी पर मीडिया में और अन्य स्थानों पर ट्रायल चलाने का आधार क्या हो, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का आधार क्या हो। इसने सबको चौंका दिया है, ये जो फैसला आया है उसने। इस फैसले के बाद कांग्रेस भाजपा को कोस रही है, जबकि उस समय सरकार तो केंद्र में UPA की थी। ये भी वही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मामला है। जैसे ही लोग बरी हुए हैं, कांग्रेस इसमें अब अपने राजनीतिक गणित को समझ रही है कि इसकी वजह से उनकी जो छवि बिगड़ी थी उसको साफ करने का अच्छा मौका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस की UPA सरकार उस वक्त थी और उसी के वक्त ये मामला दर्ज हुआ था, इसलिए कोई ये द्वेषपूर्ण तरीके से भाजपा ने मुकदमे लगा दिए ऐसा भी कोई मामला नहीं है। लेकिन उसको भुनाया बहुत है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का आप दोषी मान सकते हैं कि उन्होंने राजनीतिक रूप से, लेकिन उन्हें तो ऐसा मामला मिला। अगर एक बल्लेबाज को कोई गेंद ऐसी मिलती है जिस पर वो छक्का जड़ सकता है तो वो जड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने ठीक वही किया, कांग्रेस ने भी अभी जो किया है वो वही किया है, राजनीतिक लाभ लिया और वो लेंगे। वो भी एक अच्छे बल्लेबाज की तरह कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो लोग जिनकी वजह से उनकी पूरी की पूरी सरकार बदनाम होकर गिर गई और लोगों के मन में कांग्रेस की और उसकी सरकार की बुरी छवि बनी कि ये तो घोटालों की सरकार है,
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जिनकी व्यक्तिगत छवि इतनी अच्छी थी, उनको ये माना गया कि वो व्यक्तिगत रूप से दोषी भले ही ना हो लेकिन वो चुपचाप इस तरह के कोयला घोटाले और 2G घोटाले को होते हुए देखते रहे, इस वजह से उनकी छवि पर आंच आई। तो निश्चित ही कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाएगी, भुनाया जाना चाहिए, पूरे देश को इस जानने की जरूरत है, केवल कांग्रेस को नहीं। कांग्रेस तो अगर केवल माफी मांगने की बात कह रही है तो उससे आगे जाना चाहिए, फिर कांग्रेस को भी ये समझना चाहिए कि उन्होंने क्या केवल अपनी छवि बचाने के लिए मुकदमे दर्ज कर दिए थे, क्या वो ये दिखाना चाहते थे कि वो एक तगड़ा एक्शन ले रहे हैं। तो अगर वो खुद इस बात से आश्वस्त नहीं थे कि कोई घोटाला हुआ है तो फिर उन्होंने इसका उस वक्त स्वीकार क्यों किया इस तरह मामले के रूप में, वो भी इस बात के दोषी। यदि ऐसा नहीं लगता कि यही फैसला अगर कुछ समय पहले आता तो क्या गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनाव परिणामों पर इसका कुछ असर पड़ता? निश्चित ही पड़ सकता था। और मैं उससे आगे की बात आपसे कह रहा हूं कि GST और नोटबंदी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जो कड़े प्रहार कांग्रेस ने किए हैं उससे ज्यादा बड़ा प्रहार 2019 के चुनावों में इस बात से हो सकता है कि 2G जो घोटाला था वो हुआ ही नहीं और कांग्रेस की छवि को जबरन खराब किया गया है। राजनीतिक रूप से जितना नुकसान कांग्रेस को उस वक्त हुआ था और भाजपा ने जितने कड़े प्रहार किए थे, अगर कांग्रेस इसको सही रूप से जनता के सामने प्रस्तुत करती है तो उतना ही नुकसान भाजपा को भी हो सकता है। इसलिए नहीं कि भाजपा ने कोई घोटाला कर दिया, इसलिए कि उसने ऐसे घोटाले को भुनाया जो शायद हुआ ही नहीं। शायद अभी भी हम इसलिए लगा रहे हैं कि अभी CBI की अदालत से फैसला आया है और इसके बाद अभी उच्च न्यायालय में जाएगा और उसके बाद वापस हो सकता है एक बार ये उच्चतम न्यायालय में भी जाए। इसलिए इस देश में तो जो आरोपी हैं उनकी मृत्यु तक हो जाती है और फैसले नहीं आते हैं, इस तरह की ढीली और लचर न्याय व्यवस्था है इस देश में। और दुर्भाग्य यह है कि उसके अच्छे बुरे की वजह से लोगों का अच्छा बुरा हो जाता है। आप देखिए बोफोर्स कांड इस देश में इतना उछला, प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मिस्टर क्लीन की छवि को उसने आहत किया, राजीव गांधी जी की मृत्यु हो गई, उनकी हत्या कर दी गई, उसमें शामिल अमिताभ बच्चन उनके ऊपर इतने आरोप लगे कि उन्होंने राजनीतिक संन्यास ले लिया और राजनीति को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अभी हाल ही में जब बीच में फैसला आया तो उसमें आया था कि अमिताभ बच्चन और उनके भाई अजिताभ बच्चन दोषी नहीं है, हिंदुजा को तक उसमें। तो आप ये बताइए कि जो बदनामी उन्होंने झेली, जो अपमान का दंश उन्होंने झेला, वो अगर वो नहीं थे उसमें शामिल तो फिर वो उसको कौन लौटाएगा? और अगर वो वाकई शामिल थे तो हमारी व्यवस्था इतनी लाचार और नाकाम क्यों है कि उनको सजा नहीं दे पाती? अगर वो वाकई दोषी है तो उन्हें सजा मिले, और वो दोषी नहीं थे तो इतने साल का जो अपमान उन्होंने झेला है, जो बदनामी झेली है, जो नुकसान झेला है, उसको कौन भरेगा और कैसे भरेगा? इस बीच एक आरोप यह भी लग रहा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इस मामले में मिले हुए हैं। देखिए जब जनता को कुछ समझ में नहीं आता तो उनको तो यही लगता है कि हम किस पे भरोसा करें, क्योंकि एक मानना यह भी है जो CBI को लेकर एक छवि बनी हुई है वो यही बनी है कि वो जो सरकार है उसके पिंजरे का तोता है। तो जब ऐसा घोटाला जिसके लिए NDA ने पूरा जोर लगाया, भाजपा ने पूरा जोर लगाया कांग्रेस को बदनाम करने में, उनकी सरकार के रहते उन्हीं के अंतर्गत आने वाली CBI की जांच इतनी कमजोर क्यों रही? और वो ऐसा भी नहीं था कि वो सरकार में आए और तुरंत ये लोग बरी हो गए, 3 साल आपको मिले थे। पिछले कुछ सालों में अगर कांग्रेस ने अपनी सरकार के रहते CBI के माथा तो उस तरीके से काम नहीं किया, तथ्य नहीं जुटाया तो समझा जा सकता है, इस आरोप को समझा जा सकता है कि वो UPA अपनी सरकार के दौरान जांच की गति धीमी रखे हुए थी। लेकिन जब भाजपा की सरकार आ गई तो उन्होंने CBI को पिछले 3 सालों में इस काम पे क्यों नहीं लगाया कि वो पूरे पुख्ता प्रमाण हासिल करें? और अगर उनको उनके द्वारा CBI को काम पर लगा दिए जाने के बाद भी वाकई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले तो हमें जज OP सैनी की टिप्पणी में दम नजर आता है कि अटकलों और अफवाहों के आधार पर मुकदमे दर्ज हो गए, क्योंकि अगर 3 साल आपके पास थे तो आप क्या कर रहे थे? CBI को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इन सवालों का सामना करना पड़ेगा, करना चाहिए। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे 2G घोटाले पर अदालत के फैसले की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।